हैप्पी वीकेंड। आज सैटरडे है और नाश्ता हमने बहुत बढ़िया परांठा बनाया है। दोबारा से स्नो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं एक स्नो ड्राइव पे कुफरी के अंदर और एक प्रॉपर्टी को भी देखने जा रहे हैं। तो ये बर्फ भी कई दिन रहने वाली है। जो भी ये होता है जाम, यहाँ पे गाड़ी का रिस्क होता है आने का। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हम शिमला में जा रहे हैं कुफरी पे। पैरों में बर्फ जाएगी। व्यू देखिए यहाँ से आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कुफरी से आप सभी को हैप्पी वीकेंड। आज सैटरडे है और ये मेरे रूम से विंडो का नज़ारा देखिए आप। मौसम फिर बदल गया है। अभी शनिवार का दिन है, आज सुबह 11 बजे का समय है और हम कुफरी जाने की तैयारी में थे, लेकिन स्नो यहीं स्टार्ट होने वाली है। अभी मौसम बदल गया है। आप मेरे रूम से व्यू देखिए, क्या क्या शानदार व्यू है वैली का और बहुत ही सुंदर दृश्य हैं और मौसम तो ज़बरदस्त ही है। देखते हैं अभी स्नोफॉल शुरू होता है क्या होता है। मौसम बहुत बना हुआ है अच्छा, तो आप भी इस दृश्य का आनंद लीजिए। अभी निकलते हैं बाहर, रेडी हो रहे हैं बस और नाश्ता करके फिर चलते हैं यहाँ से। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ हरविंदर, आप देख रहे हैं ट्रैवलर्स मिस्टर सिंह। तो स्नोफॉल की सीरीज चल रही है कुफरी में, आज सेकेंड पार्ट देख रहे हैं आप। तो बने रहिएगा चैनल पे, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों हमारा नाश्ता आ गया है, परांठा आलू प्याज का और देसी घी हमारा जो हम लेके चलते हैं घर के, और हमारी चाय भी आ गई है तेज पत्ती की बिना मीठे की चाय। और नाश्ता हमने बहुत बढ़िया परांठा बना है जैसे घर में हम खाते हैं, बहुत बढ़िया वाले। और ये हमारे भैया जी यहाँ के ओनर हैं इस होम स्टे गेस्ट हाउस के, और एक ही हमें हम मित्र मिले हैं यहाँ पे, देवराज जी जो यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ के, और अपना ये होटल भी अब बना रहे हैं। आने वाले समय में इनका होटल भी आपको दिखाएंगे और वहाँ भी चलेंगे हम। तो ठीक है, अभी नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों देखिए, फाइनली दोबारा से स्नो स्टार्ट हो चुकी है। आपको शायद वीडियो में थोड़ा कम नज़र, अभी हल्की हो रही है तो स्नो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ये हमारा होम स्टे है कम गेस्ट हाउस, तो काफ़ी अच्छा है ये भी, बहुत बढ़िया नया बनाई हुई। तो साथ में इनका घर रहे यहीं रहते हैं, ये देखिए आप। अभी देखते हैं अपनी नारकंडा का क्या सीन बनता है, ज़्यादा होगी तो फंस ना जाए हम यहाँ पे। वाइट ही वाइट हो गया सब कुछ यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर है, 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर है। अभी रात को 6-7 तक गया था, हाथ बिल्कुल ठिठुर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसका आनंद जो है ना वो आनंद ही अलग है इस सर्दी का, इस ठंड का। तो दोस्तों स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, हम चल रहे हैं एक स्नो ड्राइव पे कुफरी के अंदर और एक प्रॉपर्टी को भी देखने जा रहे हैं। चलिए चलती हैं, हम चलते हैं आगे की तरफ और आप व्यूज़ को इंजॉय कीजिए। अरे मित्र जो यहाँ नए बने हैं उनके साथ जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी देखने के लिए, और आप तब तक स्नो ड्राइव भी देखिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और कुफरी का नज़ारा ही अलग हो गया है। सर्दियों में विंटर वंडरलैंड बन जाता है, मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, पूरा फोगी मौसम हुआ। अभी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है लेकिन धीरे धीरे ये शाम को काफ़ी हैवी हो जाएगी, और हम इसका एंजॉय करते हैं तब तक अपनी गाड़ी के साथ 4x4 के साथ।
तो ये बर्फ भी कई दिन रहने वाली है, जो भी आना चाहता है आ सकता है अपना घूमने, क्योंकि कई दिन बर्फ रहेगी, ये मार्च तक रहेगी ये आपकी फुल, क्योंकि बर्फ बहुत अच्छी गिरी है इस बार, अब तक गिर नहीं रही थी पूरे जनवरी में, तो फरवरी जैसे ही शुरू हुआ है तो मतलब कि पूरा हिमाचल पूरा कश्मीर बर्फ से भर गया है, जिसकी लोग वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, तभी आए हैं हम घूमने यहाँ पे और स्नोफॉल का एंजॉय करने। हम तो दो दिन से एंजॉय कर ही रहे हैं, अब एक दिन और करेंगे और फिर निकलेंगे वापसी घर की तरफ। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, और आप जो नहीं आ सकते वो वीडियो से एंजॉय कीजिए, जो आ सकते हैं वो आ जाइए अपना। आ गई है मार्केट में, अब काफ़ी दिखने लगी हैं, पहाड़ों में बहुत दिखी है मेरे को यहाँ पे ना शिमला में, काफ़ी जिमनी है, ग्रीन कलर की जिमनी है, तो जिमनी बहुत लेके लोग एंजॉय कर रहे हैं। वैसे कमाल हो जाता है जब सफ़ेद सफ़ेद सब हो जाता है यहाँ पे, तो कमाल का नज़ारा हो जाता है यहाँ पे, अलग ही से लगता है कि कहाँ गए हैं। पहाड़ लगता ही सुंदर या बरसातों में या फिर आपका इस स्नो में, क्योंकि बरसातों में जो हरा हरा हो जाता है बिल्कुल सारा ग्रीन ग्रीन मॉनसून में, और जब सर्दी आती है बर्फ़ में तो वाइट वाइट चांदी चांदी के पहाड़, सुंदरता ही अलग हो जाती है प्रकृति का, नेचर का। देखो परमात्मा ने कैसा बनाया है, हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों देखिए, एक कुफरी से आगे थोड़ा हम आए हैं, बहुत ही सुंदर जगह, यहाँ पे एक नया रोड बन रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होटल तैयार हो रहे हैं, तो हम अपने लिए एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ आए थे देखने के लिए कि यहाँ स्नोफॉल कितनी होती है। तो सामने आपको एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होटल दिख रहा होगा, बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे 4-5 होटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी काफ़ी हिल टॉप प्रॉपर्टी है। देखिए गाड़ी खड़ी है हमारी, तो देखिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहे लेना चाहे तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। कुफरी में फागू में 2-3 जगह लोकेशन है यहाँ, तो काफ़ी अच्छा है, आप आ सकते हो, यहाँ पे काम भी बिज़नेस अच्छा है होटल लाइन का, कोई इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे हमें उसको प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता हूँ। तो आप नज़र मारिए, सुंदरता देखिए, स्नोफॉल साथ साथ देखिए। तो सुंदरता की कमी नहीं है यहाँ पे, और हिल टॉप पे बड़ी शांत जगह है, आजकल लोग थोड़ा जो होटल हैं काफ़ी साइलेंट प्लेस पे पसंद करते हैं ऑफ बीट पे, तो ये थोड़ी सी ऑफ बीट जगह है, कुफरी से 5-1 किलोमीटर आगे पड़ता है ये एरिया। तो आप भी देखिए और मौसम का भी एंजॉय कीजिए। तो फाइनली दोस्तों दोबारा से स्नोफॉल शुरू हो गई है, बीच में रुक गई थी और काफ़ी तेज़ हो गई है स्नोफॉल, और हमारे मित्र देवराज जी आज हमें घुमा रहे हैं काफ़ी अपना फागू में थियोंग में, काफ़ी जानकारी दे रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपर्टी घूम रहे हैं ढूंढ रहे हैं, तो कई बार यहाँ के डीलर मिसगाइड कर देते हैं फंसा देते हैं, तो ये थोड़ा सा बता रहे थे बहुत अच्छे तरीके से बताया इन्होंने हमें कि यहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं प्रॉपर्टी को बनाने में, तो इनका धन्यवाद करते हैं हम बहुत अच्छे से, तो इन्हें समय निकाला हमारे लिए, तो साथ में हमारे मनोज जी भी साथ में हैं जो इनका हम होमस्टे में रुके हुए हैं, तो और मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आगे नारकंडा हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि नारकंडा में आगे रोड बंद हो रखे हैं और फंस सकते हैं हम ज़्यादा, क्योंकि कल हम वापसी निकलेंगे, नहीं तो ऐसा हो गया 2-3 दिन और यहाँ फंस जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप भी आएँ तो ध्यान से आएँ, थोड़ी देर इंजॉय करें और वापस निकल जाएँ, ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे तो बर्फ़ के तूफान में फंस सकते हैं, गाड़ियाँ फिर निकल नहीं पाती, चाहे वो 4x4 क्यों ना हो, जब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है, अगर 2x4 फोर वाला भी फंस सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एंजॉय कीजिए इस मौसम का, देख के एंजॉय कर लीजिए, नहीं तो आना पड़ेगा आपको यहाँ पे और एंजॉय करना पड़ेगा। तो दोस्तों आनंद लीजिए स्नोफॉल का, देखिए वाइट वाइट हुआ हुआ है सब कुछ, ट्रक खड़ा है यहाँ पे जाम में फंस के, ये काफ़ी दिनों से यहीं रहेगा, अब ये फंस चुका है,
और हम कर रहे हैं स्नो ड्राइव। ये होता है जाम, यहाँ पे गाड़ी का रिस्क होता है आने का, तो गाड़ी हम हर बंदे को बर्फ में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता। एक तो आपको यहाँ पे टायरों में हवा कम रखनी चाहिए, प्रेशर कम हो तो उससे गाड़ी स्कीड कम होती है, और ब्रेक का कम इस्तेमाल करें और गाड़ी को जितनी लो स्पीड पे चल सकें लो स्पीड पे चलाएं। कह रहे चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ, चलो भाई चलो, बर्फ है निकल लो, निकलने तो कुल्फी जम जाएगी थोड़ी भी कुल्फी जम जाएगी, कुल्फी -5 का टेम्परेचर है, कुल्फी थोड़ा गैप। ये गाड़ी कामयाब है बिना 4x4 के, 800 और एल्टो ये केवी चढ़ जाती है। ये देखो बम्पर इसकी लगी, गाड़ी पीछे से बम्पर उखड़ा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं लगी है गाड़ी। दोस्तों आज आ रहा है मजा 4x4 का, गाड़ियां चल नहीं रही हैं और हमारी निकल रही है, पीछे स्किड कर रही हैं गाड़ी काफ़ी सारी। तो आप आएँ जब इस समय पे तो कोशिश करें टैक्सी करके आएँ, जिप्सी करके आएँ या लोकल गाड़ी लेके आएँ, आप सेफ रहें, अपनी गाड़ी को भी सेफ रखें, और एक तो लोकल बंदे को काम मिलेगा, दूसरा आप भी सेफ रहोगे। तो देखिए गाड़ियाँ काफ़ी लगी हुई हैं यहाँ पे, हल्की सी ब्रेक लगनी है वहीं घूम जानी गाड़ी स्पीड तो चलानी नहीं, ये इतनी स्पीड है बस 20 की स्पीड, वो आगे जाके पक्का ठोकेगा भी किसी को। अरे दोस्तों आप हमारी बातें सुनते रहिए और ज्ञान लेते रहिए, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का भी ज्ञान ले लीजिए और ट्रैवलिंग का भी और ड्राइविंग का भी, सारे ज्ञान आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे फ्रॉम ज्ञान भंडार। ज्ञान भंडार तो लोकल बंदे के साथ घूमने का फायदा ये होता है, उनसे ज्ञान मिल जाता है, हम आगे बांट देते हैं। तो सीखने के लिए ज़िंदगी मिली है, सीखते रहो, जो आपसे ज़्यादा अच्छा मिले तो सीखते रहो, अपने से छोटे को सिखाओ बड़े से सीखो, बस गुरु महाराज जी ने हमें तभी सिख बनाया है कि सीखते रहो, जीवन का नाम ही सीखने का है, चाहे बुजुर्ग भी हो जाओ तभी सीखते रहो जीवन में, कभी भी आप परिपूर्ण नहीं हो सकते, जीवन में हमेशा सीखते रहो, नीचे होके चलो। जिस दिन आप सोचोगे मैं तो बहुत बड़ा बन गया, सियाणा हो गया, उस दिन आप नीचे गिर जाओगे। जिस दिन सोचोगे नहीं मैं कुछ नहीं, बड़े सामने वाला ज़्यादा बड़ा है, तो आप सीखते रहोगे जीवन में, चलते रहोगे, अहंकार ना करो, निम्रता से जियो, जो हमारे गुरु नानक पातशाह का सबसे बड़ा था कि निम्रता जीवन में होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आ गए हम कुफरी फन वर्ल्ड के पास, देखिए आप ये सामने कुफरी फन वर्ल्ड है, तो पार्क है ये काफ़ी बड़ा गालू फार्म, और चल रहे हैं एक ट्रैकिंग पॉइंट के ऊपर, आपको लेके चल रहे हैं कुफरी फन से लेते, थोड़ा चढ़ रहे हैं तो सांस भी फूल रही है हमारी। ये देखिए ट्रैकिंग, ये देखिए सीनरी, और आपको अपनी भी फोटो दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा 1 किलोमीटर का रन है इनका, तो चल रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शिमला में जा रहे हैं कुफरी पे, जहाँ पे लोग घोड़े पे खचरों पे बैठ के जाते हैं पॉइंट पे, तो वहाँ जा रहे हैं। देखिए तो आज आपका कुफरी का पूरा ही टूर बढ़िया वाला होने वाला है, स्नोफॉल भी देख लिया आपने, स्नो राइड भी देख ली, हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए कितना मुश्किल काम है, बिल्कुल हार्डवर्क कितना करना पड़ता है, सामान को ऊपर ले आने के लिए नीचे ले आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। ये देखिए व्यू, वाओ, अभी स्नोफॉल रुक गई है, तो जल्दी से हम चलते हैं ऊपर, घूम के आते हैं वापसी। और ये देखिए ये मस्त आनंद लेते हुए बोनफायर का। तो दोस्तों हम जा रहे हैं कुफरी वनफल से, कुफरी की जो मैक्सिमम हाइट है उस पे जा रहे हैं, तो ये कॉटेजेस बन रहे हैं देख सकते हो आप, तो काफ़ी हाइट पे है ये, तो हम ट्रैक कर रहे हैं, 1 किलोमीटर का ट्रैक है नीचे
कुफरी फन वर्ल्ड से हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमारे मित्र हैं जो शूट कर रहे हैं उनके वहाँ पे ढाबा और बार है, तो वहाँ जा रहे हैं हम। और देख रहे हो आप कितनी स्टीप चढ़ाई है, पूरा स्नोई से वाइट हुआ हुआ है और थोड़ा सा मुश्किल है चढ़ना, लेकिन धीरे धीरे चलते रहोगे चढ़ जाओगे, क्योंकि ये अभी व्यूज़ देखते रहिए साथ साथ आप बढ़िया वाले। देखिए हम आ गए हैं कुफरी फन वर्ल्ड के पास। देखिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ से नीचे लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है, तो ये देख लिए अभी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी गेम बच्चों के लिए और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, गेम्स वगैरह सारी यही हैं, साइकिलिंग जो अभी चीज़ें देख रहे हो, गो कार्ट है और वर्ल्ड का हाईएस्ट गो कार्ट है यहाँ पे। ओके, तो बच्चों की सारी गेम्स हैं यहाँ पे, आप फन कर सकते हो। और सामने एक डोम क्या बन रहा है, सामने स्नो डोम बन रहा है, जल्दी ही आपको गर्मी में भी बर्फ का आपको मज़ा मिलेगा यहाँ पे। चलिए पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ पे व्यू। सो फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं मासू टीक पे। यहाँ तो 2-2 फुट बर्फ़ दिख रही है मेरे को, 1.5-2 फुट का बर्फ़ का दिख रहा होगा आपको मेरा पैर। ये देखिए पैरों में बर्फ़ जाएगी, गीले हो जाएंगे शूज़। तो दोस्तों हम पहुँच रहे हैं ऊपर की तरफ, जो शेरे पंजाब ढाबा है हमारे भाई साहब का, तो बस वहाँ आपको दिखाते हैं टॉप के सीन। ये व्यू देखिए यहाँ से आप, बहुत शानदार। और स्नो दोबारा से शुरू हो रही है, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। बस ये देखिए व्यूज़ आप, आइए इनकी दुकान भी दिखाते हैं, अब कल को आ सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया इनका सिस्टम है। ये देखिए बर्फ़, 2-2 फुट बर्फ़ है यहाँ पे, पैर पूरा धस गया हमारा। ये देखिए शेरे पंजाब ढाबा बियर वाइन शॉप, यहाँ पे आपको वाइन बियर रम भी मिल जाएगी, जो भी पीने के शौकीन लोग हैं वो यहाँ बैठ के फन कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं। रेट भी इनके रिजनेबल हैं, हमारा नाम लेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, और आपको ये स्टे ऑप्शन भी देंगे। अभी जस्ट होटल बना रहे हैं नया यहाँ पे अपना स्टे, तो अभी तैयार हो रहा है, आने वाले 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा, और फिर आपको इनका स्टे का भी हम वीडियो देंगे आपको। तो चलो चलो, तो दोस्तों निकल रहे हैं हम, थोड़ा सा रात का समय हो गया है, शाम का। ओ गिर गए हम भाई साहब, कैमरा पकड़ते गिर गए, फिर भी बच गए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी बर्फ़ ठीक वाली है। कोई नहीं, पहुँचेंगे अब, ये तो सीन बन गया, इधर से आ जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों नीचे आ गए हैं, वहाँ से अंधेरा हो गया है, तो गाड़ी में बैठ गए हम, बस अपने होम स्टे और गेस्ट हाउस तरफ चल रहे हैं। अब देखिए गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं यहाँ पे, तो अभी मौसम थोड़ा साफ सा ही है। देखो रात को प्रेडिक्शन है काफ़ी हैवी स्नोफॉल की, तो बने रहिएगा चैनल पे, वीडियो को पूरा देखिएगा, देखते हैं अगर सुबह स्नोफॉल हुई तो आपको और आगे दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी वीडियो यहीं ख़त्म होगी तो आपको यहीं बाय बाय, नहीं तो सुबह फिर मिलेंगे, तो बने रहिएगा चैनल पे, वीडियो ख़त्म करते हैं।